Hello dear learners, I welcome you to our channel Intensive Study. My name is Soni Kumari. हम अपने इस चैनल पे क्लास 7 की मैथ्स कर रहे हैं. चैप्टर 6 क्या है? द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज और इसके गुण. एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स. तो ये जो साइड्स हमें दी गई हैं, क्या इनसे एक ट्राइंगल बन सकता है, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है. सो वी नो दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ये हमें पता है कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है. तो सबसे पहले हम इस लाइन को लिख लेते हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than the third side. इस लाइन को आपको हर बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आंसर फाइंड कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि इस ये जो साइड्स हमें दी गई हैं, कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए. तो इनमें से मैं कोई भी दो साइड ले लेती हूँ, मैं ये दोनों साइड्स ले लेती हूँ, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. इसको पहले मैं ऐड करके देखती हूँ कि क्या ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है. ज्यादा आना चाहिए, अगर ज्यादा आएगा तभी ट्राइंगल बनेगा. क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है. तो चलिए ऐड करते हैं, 2 प्लस 3 होता है 5 सेंटीमीटर, और ये थर्ड साइड कौन सी है, ये भी 5 सेंटीमीटर है. क्या ये इससे बड़ा है? नहीं, ये तो इक्वल हो गया, ठीक है. सो ये 5 सेंटीमीटर जो है ये बड़ा आना चाहिए था, ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए था, जो कि बड़ा नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया है. इस तरीके से आप इसे दिखाएंगे कि ये 5 सेंटीमीटर इक्वल 5 सेंटीमीटर हो चुका है, ये नहीं आना था, ये ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है. तो इसका आंसर है नॉट पॉसिबल, ठीक है. इन फॉलोइंग साइड्स से एक ट्राइंगल को बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. सो फर्स्ट का आंसर है नॉट पॉसिबल. सेकंड में क्या है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर. हमें यही फाइंड करना है कि क्या इन फॉलोइंग साइड से ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है. तो जो लाइन हमने अभी पहले लिखा था उसी लाइन को हम लिखेंगे, सम ऑफ टू sides of a triangle is always greater than the third side, greater than the third side. एक ट्राइंगल के दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है. तो चलिए ऐड करके देख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर क्या आता है, 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर. तो क्या ये थर्ड साइड से ज्यादा है? ऑफ कोर्स ज्यादा है, 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से ज्यादा है. अब यहाँ पे आप कंफर्म नहीं कर सकते, आप बाकी के सॉल्यूशन भी कर लेंगे, यानी कि बाकी के साइड्स को भी ऐड कर लेंगे. इस बार मैं 6 और 7 ले रही हूँ, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर आया. ये क्या ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है? यस, ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है. तो यहाँ तक तो राइट है. अब कौन से दो साइड्स रह गए ऐड करने के लिए? 3 6 भी हो गया, 6 7 भी हो गया. अब मैं इस बार 7 और 3 को ले लेती हूँ, ठीक है. सो 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना आता है? 10 सेंटीमीटर. क्या ये बीच वाले साइड से 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है? ऑफ कोर्स ज्यादा है, ठीक है. तो हमने तीनों तरीकों से ऐड करके देख लिया, इसके दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा आ रहा है. इसका मतलब सेकंड के जो साइड्स है इनसे ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है. तो सेकंड का आंसर है यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, yes it is possible to have a triangle with the following sides.
सेकंड के साइड्स जो हैं उससे हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। अब हमें इस थर्ड को सॉल्व करना है। क्या क्या साइड्स है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और हमें बताना है कि क्या इन साइड से ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। सो सेम लाइन है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्राइंगल के दो साइड्स का योग या सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये लाइन हमें लिखना ही है। चलिए अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड का सोल्यूशन है 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। 6 प्लस 3 9, 9 सेंटीमीटर आ गया ये। क्या ये बड़ा है 2 सेंटीमीटर से? यस, ये तो बड़ा है 9 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से, ग्रेटर है, तो ये तो ठीक है। चलिए अब इस बार मैं इन दोनों को लेती हूँ, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है? इन दोनों को ऐड करने पे क्या आता है? 5 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड कौन सा रह गया था लेने के लिए? 6 सेंटीमीटर। इससे हमें इसको कंपेयर करना है कि क्या ये 5 सेंटीमीटर जो कि दो साइड्स का सम है, क्या ये ज्यादा है 6 से? नहीं, ये कम है, ये ग्रेटर नहीं है, जबकि ग्रेटर आना चाहिए था, तभी तो हम कह पाते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, लेकिन फुलफिल तो कर नहीं रहा। दो साइड्स का सम 5 सेंटीमीटर आ गया जो कि थर्ड साइड से कम है। सो इसका आंसर क्या होगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इन साइड्स को लेके ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। सो डियर लर्नर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।